बिहार के मुंगेर में चेक से छेड़छाड़ कर खाते से अवैध निकासी का मामला सामने आया है। अवैध निकासी का आरोप वार्ड सचिव नीतीश कुमार पर लगा है, जिस पर खंड विकास अधिकारी ने वार्ड सचिव के खिलाफ FIR दर्ज करने की बात कही। पूरा मामला तारापुर प्रखंड के बेला डी ग्राम पंचायत का है, जहां अधूरे काम को पूरा करने के लिए वार्ड सदस्यता रंजना देवी ने 30,000 का चेक वार्ड सचिव को दिया, लेकिन वार्ड सचिव ने चेक में छेड़छाड़ कर खाते से 2,30,000 रुपए निकाल दिए। इस बात की शिकायत वार्ड सदस्य रंजना देवी ने मुखिया विजय यादव और BDO श्याम कुमार को दी। वहीं इस मामले को खंड विकास अधिकारी ने गंभीरता से लेते हुए आरोपी वार्ड सचिव पर प्राथमिकी दर्ज करने की बात कही है। तीस हजार के चेक दिए थे, उसने 2,30,000 के चेक निकासी कर लिए। हम 16 तारीख के चेक दिए। कौन है वो? सचिव है, बेल बिना का वार्ड संख्या 8। वो काम करने के विषय में चेक मांगा। कौन सा काम? वही जल नल योजना वाला, पूरा अभी नहीं हुआ है। किस तारीख को आपने चेक दिया था? चेक हम दिए थे 12 तारीख के। क्या कह के दिया था? उसने बोला कि चेक दीजिए, मटेरियल गिराएंगे, मटेरियल गिरा करके हम बिल्डिंग उठा लेंगे। चेक चेक दिए थे हम काम के लिए, सरकार का जो 7 नीचे योजना का चेक है, इसलिए वो काम के लिए चेक दिए थे। तो उसने चेक को 2,00,000 बना करके चेक करके 2,30,000 निकासी कर लिया। चेक कौन भरा था? नीतीश भरा था चेक। नीतीश भरा था? हाँ, चेक वो खुद भरा था, वो खुद वो निकासी भी कर लिया अपने नाम से। आपको कैसे पता चला इस बात? जब हम बैंक आए तो बैंक में अपडेट कराने के लिए आए तो बैंक वाला बताया कि आपके मैडम पैसा सब निकल गया 2,30,000। जब हम 30,000 के चेक दिए तो वहाँ निकासी 2,30,000 दिखा रहा। अपने चाहे सचिव के पास यहाँ पे आए, BDO साहब के पास, तो बोला BDO साहब वकील से जाके आप अपना कार्रवाई कीजिए। पंचायत सचिव कहाँ है अभी? पंचायत सचिव अनिल बाबू, अभी तो हम घर पे ही रहते हैं। क्या नाम है आपका? रंजना देव। क्या है आप? वार्ड। कौन सा पंचायत? बेलाडिक पंचायत के वार्ड 8, वार्ड नंबर 8। आज हमको सूचना मिली वार्ड सदस्य रंजना देवी के द्वारा कि मैं बैंक में हूँ मुखिया जी, मैंने अपने वार्ड सचिव को 30,000 रुपये का चेक काट करके मैं दिया था, और 30,000 के जगह पर 2,30,000 रुपया हमारे वार्ड सचिव के द्वारा निकासी कर लिया, जिससे मैं बहुत व्याकुल हूँ और समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मैं मुझे जानकारी मिलने के बाद मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास मामला लेकर के आए, और प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा कहा कि आपने कानूनी कार्रवाई किया जाए। उसके बाद मैंने वार्ड सचिव को फ़ोन करके पूछा लेकिन उन्होंने फ़ोन मेरा रिसीव नहीं किया। मैं करीब 10 बार उनको फ़ोन किया, एक बार भी रिसीव नहीं किया। आप बोला कि हम अभी घर पे नहीं हूँ और हम खेत पटा रहे हैं, और किसी कोई आदमी बोला कि कुटमैती भी चला गया है। के लिए से सरकार का जो 7 निश्चय योजना चल रही है, उन्हीं के लिए से हम लोग ने इनके वार्ड में राशि ट्रांसफ़र किए थे। खुद अपने से चेक भरते हैं, चूँकि वार्ड सचिव की जो मनोनीत किया गया था वो मैट्रिक पास था, और वार्ड जनप्रतिनिधि में तो कोई मतलब है नहीं कि मैट्रिक पास हो या शिक्षा के मामले में इस पर कोई है नहीं, इसलिए वो वही भरे थे। और वार्ड मेंबर अब कहाँ तक पर ही वो तो नहीं, लेकिन इसमें गलतियाँ है, क्योंकि उनको एक बार जानकारी जरूर देना चाहिए कितना बड़ी अमाउंट है, और उसके बाद जानकारी लेकर के ही मतलब वार्ड सदस्य के वार्ड सदस्य को जानकारी देना चाहिए। वार्ड सदस्य आगे क्या कर रहे हैं आप? आगे तो मैं यही कहूँगा, ये सरकारी राशि है और ऐसे धोखाधड़ी करने वालों को सबक मिलनी चाहिए और इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्या नाम है? मेरा नाम विजय यादव है। क्या है? ग्राम पंचायत राज बेलाडी का मैं मुखिया वर्तमान। ये 2 घंटे पहले ये मुझे जानकारी मिली है कि वार्ड नंबर 8 के सचिव के द्वारा 2,30,000 का जाली सिग्नेचर या तो मिसलीडिंग करके पैसा को निकाला गया है। कितनी राशि है सर? 2,30,000 है। अच्छा, और वार्ड सदस्य का ये कहना है कि हमने 30,000 का चेक दिया था कि जो आधा अधूरा कार्य है उसको पूरा किया गया। अच्छा, और इस संबंध में जब आज उनको पता चला है कि उनके अकाउंट से 2,30,000 की राशि निकासी की गई है, बैंक से भी पूछताछ किया गया, जिसमें उन्होंने ये भी स्वीकारा है कि 2,30,000 की निकासी नीतीश कुमार वार्ड सचिव के द्वारा किया गया है। अब इस संबंध में अभी जो भी है विभागीय जो युक्ति संगत कार्रवाई की जाएगी, साथ में प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।
किस बात को लेकर पैसा दिया गया था उनको? ये वार्ड सदस्य का कहना है कि जो काम अधूरा पड़ा हुआ है उसके लिए वो काम करने के लिए पैसा निकालने की बात कही है। क्या नाम है सर आपका? श्याम कुमार बुरियो तरफ। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170, 9560464170।